केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मेरे साथ हैं और संसद में लगातार महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। रिजिजू जी, आपका विभाग है, इसरो के अंतर्गत आता है। टीएमसी की सांसद ने कहा कि आप महिला को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और इसरो में साइंटिस्ट को सैलरी ही नहीं मिल रही, महिला साइंटिस्ट की भी बात की गई। आज टीएमसी के सांसद ने जो लोकसभा में झूठ बोली, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये बहुत दुख की बात है कि संसद के अंदर में झूठ बातें को ऐसे बोले जाते हैं जैसे कि वो सत्य हो। पहले भी कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि इसरो के साइंटिस्ट को समय पे सैलरी नहीं मिल रहे हैं। बाद में ये सब बातें सुनकर के इसरो के सीनियर साइंटिस्ट और जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने भी कहा कि हर साइंटिस्ट और हर एक एम्प्लॉय को समय पे और जितना उनको मिलना चाहिए ठीक ठाक सैलरी मिलते हैं। और साथ साथ वहाँ के जो महिलाएं साइंटिस्ट लोगों ने सामूहिक रूप से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने समर्थन और जितना उत्साह इसरो के लिए, इसरो के साइंटिस्ट लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर देते हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी नहीं किया है, ये कहा है। इसके बाद भी झूठ बोलते हैं तो मैं इसका खंडन करता हूँ। एक सवाल और, जो आप लोगों पे जो सदन में चर्चा चल रही है, तो इसरो की बात हो गई, ये भी आरोप लग रहा है कि महिला बिल को टालने के लिए लंबा समय लगे, इसलिए आप लोग खेल कर रहे हैं और इसमें महिलाओं को कुछ मिलना नहीं है। देखिए, महिला बिल तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ड्रामाबाजी करके इंट्रोड्यूस करने का नाटक किया, कुछ हुआ नहीं। अगर मंशा है तो इंट्रोड्यूस करो और पास करो। उस समय कांग्रेस के पास जितने भी संख्या थे, भारतीय जनता पार्टी का संख्या मिल करके जब चाहे बिल पास कर सकते थे, वो लोकसभा में लेके आए नहीं। अब जब मोदी जी ने महिलाओं के लिए एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ ही नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ये अनाप शनाप बातें करते हैं और झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी जो ठान लेता है उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, और जो वो बहाना मार रहे हैं कि डिलिमिटेशन सेंसस, ये किसी को संविधान के जो प्रक्रिया है उसको हटाने का, नजरअंदाज करने का हक नहीं है। जब डिलिमिटेशन होता है तो सेंसस के माध्यम से ही होगा, फिर उसके बाद में उसका हिसाब से जो नए परिसीमन के बाद क्या व्यवस्था होगा, कौन सा सीट में कितना पॉपुलेशन है, कहाँ एसटी कितना है, कहाँ एससी कितना है, और फिर पॉपुलेशन कितना बढ़ गए हैं, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर सपोर्ट करना है महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, सचमुच में सपोर्ट करना है, तो चुपचाप आप सपोर्ट करो ना। आप तो नहीं कर पाए अपने जमाने में, अब जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार कर रहे हैं, तो अभी रोना धोना का एक्टिंग मत करो, ये ठीक नहीं है। सब देशवासी जानते हैं सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, साफ है। और ये बिल पास होते ही सेंसस का प्रक्रिया, डिलिमिटेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जब प्रक्रिया पूरा होगा तो विधानसभाओं में और लोकसभा में पूरा महिलाओं का जो संवैधानिक उनका सम्मानित रूप से जो उनका क्वाटा बनता है पूर्ण रूप से मिलेगा। और हमारा पार्टी और पूरा देश इसको समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों ने इसको विवादित मुद्दा बना करके गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, वो चलेगा नहीं। शुक्रिया। ये थे किरण रिजिजू, इनका साफ कहना है कि विपक्ष संसद को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, जबकि मोदी सरकार की नीयत साफ है, महिला आरक्षण बिल पे भी और इसरो में साइंटिस्ट को सैलरी और पेंशन नहीं मिलने के मुद्दे को पे भी विपक्ष सदन में झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। कुमार गौरव, News 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।